हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर धीरज दुबे है और मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हूँ HCG हॉस्पिटल मानसरोवर में। आज हम बात करेंगे हिप जॉइंट में पेन की। उसका एक स्पेसिफिक टर्म है एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप। वैसे नॉर्मल रूटीन में लोगों को घुटने की आर्थराइटिस या नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, बट आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि स्पेशली यंग पेशेंट्स में और कुछ ओल्ड पेशेंट्स में हिप पेन की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमनली हमारे सामने ओपीडी में आ रही है। तो हिप पेन में सबसे कॉमन जो कॉज है दैट इज एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, या फिर अगर हम उसे लेमन लैंग्वेज में बोलें तो खून के दौरे का बंद होना। हम इसके कॉजेस से बात करेंगे कि किस कारण से ये होता है। बेसिकली इसका सबसे मेन कारण जो है वो है स्टेरॉइड्स इनटेक। बहुत लंबे टाइम तक अगर आप स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं तो ये एवियन हिप का बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। सेकेंड कारण है क्रॉनिक एल्कोहलिक। अगर आप क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं, लंबे टाइम से एल्कोहल ले रहे हैं, तो आपके हिप एवियन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। थर्ड इसका जो सबसे कॉमन रीजन दैट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स इसका कोई कारण नहीं है, बट हाँ एवियन हो गया है। कुछ तरह के ब्लड डिजीज लाइक सिकल सेल एनीमिया होते हैं जिनमें कि हमारा खून काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, उनके अंदर भी खून का दौरा हिप जॉइंट के अंदर बंद होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये इनके मेन कारण हैं जिसमें कि हिप में खून का दौरा बंद हो जाता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा हिप में एवियन ही है या हमारे हिप के पेन का कारण एवियन ही है? कई बार इसमें हिप में आपके पैथोलॉजी है बट पेन जो है या फिर दर्द है वो आपके कमर में पीछे वाले एरिया में होता है। कई बार ये दर्द आपके हिप में आगे वाले एरिया में होता है और कई बार ये दर्द हिप जॉइंट के आसपास ना होकर सिर्फ आपके घुटने के आगे की तरफ होता है। तो उसको कई लोग, कई डॉक्टर्स मिस कर जाते हैं। वो स्पाइन को ट्रीट करते रहते हैं या फिर नी जॉइंट को ट्रीट करते रहते हैं, जबकि आपकी पैथोलॉजी जो है, जो बीमारी है, वो आपके हिप जॉइंट के अंदर है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लें, कंसल्ट करें। अब आता है कि हम इसका जब हम सर्जन के पास जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या आएंगी, हमें चलने फिरने प्रॉब्लम होगी, बट हाँ आपको एक जो सबसे कॉमन सिम्टम है दैट इज पेन। ये पेन आपको स्पेशली जब आप अपने कोले के जोड़ को मूवमेंट करेंगे, अंदर या बाहर घुमाएंगे, तो ये फील होगा। और कई बार रात के सोते समय या फिर ज़्यादा एक्सर्सिस के टाइम भी ये फील होता है। आपके कमर में दर्द, नी के आगे वाले एरिया में दर्द या हिप जॉइंट के एंटीरियर रीजन में कोई पेन है, आपको ज़्यादा चलने में आपके हिप के जॉइंट में पेन फील हो रहा है, या फिर आपके पालती पालती मार रहे हैं तो आपको हिप में अगर पेन फील हो रहा है, तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें। इसके लिए हम लोग इनिशियली आपको क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं जिसमें लेटा के पेशेंट का हिप जॉइंट को मूवमेंट करके देखा जाता है। स्पेशली जब हम घुटने को पैर को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो इसमें इनिशियल स्टेज में पेन होता है, तो ये बता सकता है कि हाँ एवियन के सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप पे हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में एवियन की सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज ही हमें पता लग पाती है। कुछ पेशेंट्स में स्टेज जीरो और वन में पेन शुरू हो जाता है, तो ये हम सिर्फ MRI के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट हम MRI कराते हैं। तो अगर हमें एवियन का जरा सा भी सस्पिशियस होता है तो पहले हम पेशेंट को MRI के लिए एडवाइज करते हैं। MRI से हम उसकी स्टेज पता लगा सकते हैं कि स्टेज जीरो में है, वन में है, वन ए, टू, टू ए और थ्री, इनमें से किस स्टेज में है। स्टेज टू के बाद की स्टेजेस हमें एक्सरे में पता लगते हैं। एवीएन मतलब एवेस्कुलर नेक्रोसिस, खून का दौरा बंद होना। शरीर में अगर कहीं भी खून का दौरा बंद होगा तो उसका अल्टीमेट सिक्वेली क्या होगा कि वो जो पार्ट है, जो हिप जॉइंट है, वो मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। तो पहले उसमें खून का दौरा बंद हुआ, धीरे धीरे वो डेड हुआ और लास्ट स्टेज में उसमें आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस मतलब जोड़ का घिसना। तो लास्ट स्टेज आने पर पेशेंट के हिप में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, लाइक उसका हिप फ्लेक्शन मूवमेंट में चला जाता है, पेशेंट को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है, उनको रेस्टिंग स्टेज में भी पेन होने लगती है। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। अगर हमें ये एवीएन की डिजीज इनिशियल स्टेजेस में लाइक जीरो और स्टेज वन में पकड़ में आ जाती है तो कुछ लिटरेचर्स में एक ट्रीटमेंट दिया हुआ है इसमें, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल ड्रिल होल। तो हम हिप जॉइंट के अंदर कुछ ड्रिल होल्स करते हैं, उस ड्रिल होल के कारण उस पेशेंट की जो स्टेज है सेकेंड या थर्ड स्टेज आने से कुछ टाइम उसको मिल जाता है, वो स्टेज डिले की जा सकती है। बट अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज थ्री या स्टेज फोर में आता है तो फिर उसमें हमें सिवाय जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के कोई दूसरा चारा नहीं होता। इस स्टेज थ्री या फोर में हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो किसी भी सतह है या जो डेड बोन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको एक्सरसाइज कर दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको इस पर बताना चाहूँगा, ये हमारा एक जॉइंट का मॉडल है, इसमें से जो डेड पार्ट है आपका वो यहाँ से हटा दिया गया है।
इस डेड पार्ट को हटाने के बाद ये हमारा आर्टिफिशियल इम्प्लांट है जिसे हम हिप रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं। ये इम्प्लांट इस तरह से इसके अंदर आफ्टर सम रीमर्स और रीमिंग प्रोसेस इसको फिक्स किया जाता है। ये इस इम्प्लांट की गोल हेड है जो आपका जो जिसका एवियन हो चुका है और यह है इम्प्लांट का सॉकेट जो इसके ऊपर फिट होता है। तो इस तरह से मैं आपको आर्टिफिशियल जॉइंट प्रोवाइड करा देते हैं। ये जॉइंट वापस से आपकी लाइफ को रूटीन में ला देता है और आजकल जो टेक्निक्स और जो इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं उसमें इस इम्प्लांट की और इस सर्जरी की लाइफ अराउंड 20-25 ईयर्स आराम से। तो ये इसका हुआ ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि इसको कैसे रोका जाए। इडियोपैथिक में आप कुछ नहीं कर सकते, इडियोपैथिक का तो आपको एवियन होना है तो वो होगा। इसके जो सबसे दो मेन कारण है या कॉजेस हैं, फर्स्ट इज स्टेरॉइड एंड सेकेंड इज क्रॉनिक एल्कोहल। आजकल हमें देखा जा रहा है कि यंग पेशेंट्स में स्पेशली जो बॉयज बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन लोगों में एवियन बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। उसका कारण है कि वो हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज करते हैं बिना देखे, हेल्थ सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं। आजकल जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं ज़्यादातर में स्टेरॉइड्स मिला हुआ आता है, वो स्टेरॉइड्स का काफ़ी लंबे टाइम तक सेवन करते हैं और उस कारण से उन लोगों को हिप में बहुत ही जल्दी अगली एज में एवियन की समस्या आ जाती है। तो आप हेल्थ सप्लीमेंट्स को बिना कंसल्टेशन के, बिना डाइटिशियन की कंसल्टेशन के अपने आप इनटेक ना करें क्योंकि वो आपकी सेहत को बहुत खतरनाक तरीके से, आपके जॉइंट्स को, आपकी सेहत को खराब कर सकता है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल को आप लिमिटेड करें क्योंकि क्रॉनिक अल्कोहल एक बहुत बड़ा कॉज है एवियन होने का। तो अगर इन दो कारण्स को आप नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत हद तक एवियन वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। एक चीज़ और है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, यानी हिप पे जॉइंट का अगर कभी पहले आपकी हिस्ट्री है फ्रैक्चर होने की तो उन पेशेंट्स में भी एवियन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट कराया जाए, उसको ऑपरेट कराएं जिससे कि हमारे एवियन होने के फर्दर चांसेस कम हो। अभी हमने एवियन के बारे में बात की, हमने सर्जरी की बात की कि एवियन अगर हो जाता है हिप में तो हम क्या रिप्लेसमेंट करते हैं। अभी सबसे कॉमन कन्फ्यूजन जो लोगों को या पेशेंट्स को होता है वो होता है कि हम कौन सा इम्प्लांट यूज़ करें, कौन सा इम्प्लांट हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारे लिए जस्टिफाइड है, किस इम्प्लांट की लाइफ कितनी है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इन इम्प्लांट्स के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके।